क्लास 12 बायोलॉजी, मुर्गन का नियम और लिंग संलग्न क्या होता है। क्लास 12 लेसन नंबर 5 बायोलॉजी के अंतर्गत एक बार फिर मैं आपका सुनील सर दिल से स्वागत करते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं और ये प्रश्न काफ़ी बार बोर्ड में आता है और आपके टॉपिक भी है कि सहलग्नता की मॉर्गन संकल्पना बताते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। माने सहलग्नता के बारे में जो मॉर्गन जो वैज्ञानिक थे अपने का सिद्धांत दिए से इसके बारे में आपको बताना है और ये कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित हो तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात भी ये जीन एक दूसरे के पृथक नहीं होते हैं तथा एक साथ बने रहते हैं, तो ये सहवंशावली प्रदर्शित करते हैं। इन जीनों को सहलग्न जीन तथा इस गुण को सहलग्नता कहते हैं। हालांकि लिंकेज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सटन और बावेरी ने सन 1903 ईस्वी में किया था। माने कहने का मतलब है बच्चा कि हमारे पास कहाँ है, दो जीन है बहुत पास पास, मान लो यहीं पर देख लो, ये मान लो कि हमारे पास दो क्या है गुणसूत्र है और दो जीन है, एक ये जीन है एक जीन है, बहुत पास पास दोनों जीन है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है फिर भी जीन अलग अलग नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं सहलग्न जीन। सहलग्न का मतलब कि साथ साथ वो लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार से वो अलग नहीं होते हैं, तो ऐसे जीन को हम लोग कहते हैं सहलग्न जीव और इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं सहलग्नता। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, सहलग्नता कहते हैं, ठीक है बाबू। हालांकि सहलग्नता का जो सिद्धांत दिया था सबसे पहले सटन और बावेरी ने 1903 ईस्वी में दिया था। उसके बाद से सहलग्नता के हमारे पास प्रकार आता है, तो हम कह सकते हैं कि सहलग्नता मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, जिससे पहला कह सकते हैं पूर्ण सहलग्नता यानी इसको कंप्लीट लिंकेज, अंग्रेजी में लिंकेज कहा जाता है सहलग्नता को। कहेंगे कि इस प्रकार की सहलग्नता, सुन लो ध्यान से, इस प्रकार की सहलग्नता नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है, एक प्रकार की मक्खी है, कह रहा है कि इस प्रकार की सहलग्नता नर ड्रोसोफिला में पाई जाती है जब एक गुणसूत्र पर स्थित सहलग्न जीन अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग नहीं होते हैं तथा इसकी अगली पीढ़ी में पैतृक प्रकार के ही लक्षण मिलते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। प्राय जीवों में पूर्ण सहलग्नता देखने को नहीं मिलता क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के समय जीन विनिमय की क्रिया होती है। उदाहरण, जब धूसर रंग के शरीर और अवशेषी पंख वाली जंगली ड्रोसोफिला का संकरण काले रंग के शरीर और लंबे पंखों वाली ड्रोसोफिला के साथ कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी के सभी जंतुओं का शरीर धूसर रंग तथा लंबे पंखों वाले ही पूर्ण विकसित होते हैं। जब फिर यह कहता है कि जब यौवन पीढ़ी के नर संकरण नर शंकर का काले रंग का शरीर, देखो यौवन पीढ़ी के नर शंकर का काले रंग का शरीर तथा अवशेषी पंख वाली मादा ड्रोसोफिला के साथ संकरण कराया जाता है तो यौवन पीढ़ी में केवल दो प्रकार के जंतु बराबर संख्या में बनते हैं। इस संकरण में केवल पैतृक संयोग बनते हैं और जीन्स अलग नहीं होते हैं, अर्थात सभी संततियां पैतृक लक्षणों वाली उत्पन्न हुई तथा इनका अनुपात एक संबंध एक था, अतः एक पूर्ण सहलग्नता है। पूर्ण सहलग्नता का मतलब क्या है कि जो पहला बात यह है कि जो गुणसूत्र है और गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं वो किसी भी प्रकार से जीन अदला बदली नहीं हो पाता, हमारे जीन नहीं टूटते हैं, हमेशा बना रहता है। जो संतान उत्पन्न होता है उसका गुण जो होता है माता पिता के गुण के समान ही, जो संतान जन्म लेता है उस संतान का जो गुण होता है बिल्कुल माता पिता के गुण के समान ही होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है अपूर्ण सहलग्नता जिसको हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। जब समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है, जब समजात गुणसूत्रों के बीच जीन विनिमय की क्रिया हो जाती है तथा इसमें अगली पीढ़ी के संतान में पैतृक प्रकार तथा पुनर्योजित प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इस प्रक्रिया को अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। अर्थात अपूर्ण सहलग्नता में संलग्न जीनों के एक दूसरे से पृथक होने की संभावना बढ़ जाती है। इनका प्रमुख कारण जीव के मध्य की दूरी और अर्धसूत्री विभाजन के समय होने वाले जीन विनिमय है।
यानी अपूर्ण सालगनता में जो गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं, जीन बहुत दूर दूर होते हैं और जीन के बीच की दूरी अधिक होने के कारण ये जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इस समय जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय ये दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, यानी अपूर्ण सालगनता में जो जीन होते हैं वह अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक शब्द आता है कि सहलग्नता के लिए मार्गन का संकल्पना। देखो थॉमस ईट मार्गन ने सन 1910 से 1911 में फल मक्खी पर अपने प्रयोगों द्वारा सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया। मार्गन अपने प्रयोग के समान रंग के शरीर और समान पंखों वाली बीबी और भीभी दोषो पीला का काले रंग के शरीर और शेषी पंख वाली बीबी भीभी दोषो पीला के साथ संकरण कराया, जिसमें अपन पीढ़ी में सभी मक्खियाँ समान रंग के शरीर और समान पंखों वाली उत्पन्न हुई, क्योंकि इन लक्षणों के जीन्स बी भी प्रबल हैं और काले और शशि रंग के जीन्स प्रबल नहीं हैं। उसके बाद से इसके पश्चात उन्होंने अपन पीढ़ी के समान रंग और समान पंखों वाली संकर मक्खियों के काले और अवशेषी पंखों वाली मक्खियों के साथ संकरण कराया। मेंडल की व्याख्या के अनुसार एफ टू पीढ़ी में निर्मित प्राणियों के परीक्षा संकरण में एक संबंधे एक का अनुपात होना चाहिए था, किंतु ऐसा ना होकर 35 प्रकार के नए पुनर्संयोजित लक्षणापद यानी 83:17 के अनुपात में प्राप्त हुए। यदि यह 35 लक्षण का अनुपात 50% से अधिक आता है तो यह जीन्स के मध्य सहलग्नता को प्रदर्शित करता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि समान रंग के शरीर और समान पंख वाले लक्षणों के जीन्स पर एवं काले रंग के शरीर और शशि जीन्स में दृढ़ संकर कर सहलग्नता से प्रतिभाग लिया जाता है। मार्गन सहलग्नता के सूत्रीय सिद्धांत के प्रमुख लक्षण निम्न थे। पहला ये था कि वे जीन जो सहलग्नता दर्शाते हैं उसे एक ही गुण सूत्र पर स्थित होते हैं। सहलग्नता जीन जब वंशागत होते हैं तो जीन मूल समूह में बने रहते हैं। वे जीन जो गुणसूत्र पर पास स्थित होते हैं वह अधिक सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत जो सहलग्नता जीन दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं वह दूरी बहुत दर्शाते हैं। तो इस तरीके से एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीव मिलकर सहलग्नता समूह को निर्माण करते हैं तथा इन समूहों की संख्या उस जीव की जाति के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है। तो ये था मॉर्गन का प्रयोग। तो आइए आपको हम चित्र बता दें। जो चित्र बताया था उसने कहा किया था कि मॉर्गन अपने प्रयोग में दिखाया था कि सबसे पहले उसने इस सिद्धांत को बताने के लिए मक्खी लिया जो दोषपीला थी, काले रंग के दोषपीला मक्खी ली और जिसमें जो पंख थे काले रंग, तो पहले तो कहा किया ना कि सामान्य रंग के काले रंग के नहीं, पहले वह सामान्य रंग का और समान पंख वाले दूसरे पीला मक्खी के लिया, जिसको उसने सामान्य को बीबी और सामान्य जो सामान्य पंख वाले थे उसको भी से प्रदर्शित किया तथा इसका संकरण कराया। एक काले रंग के जो पंख वाले थे और अवशेषी के मतलब छोटे रंग के थे उसके साथ, तो भी और आर आर। तो उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में जितने भी जीव बने, संतान बने, वो सब भी प्रकार के क्या हुए जीव बने। फिर उसने क्या किया कि F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए उसने जो ये है बी का संकरण काले रंग के बी से कराया। तो उसने देखा कि जो अनुपात माने एक संबंध एक का अनुपात आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं आया। वह आ गया 83:17 का, जो कि पूर्ण सहलग्नता को दर्शा रहा था। और उसने कहा था कि जो पूर्ण सहलग्नता वही जीन दिखाएंगे जो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और जो
जो जीन बहुत पास पास स्थित होते हैं वह सहलग्नता के गुण को बहुत तेजी से प्रदर्शित करते हैं, बहुत अधिक प्रदर्शित करते हैं। जो जीन बहुत दूर दूर रहते हैं तो वह अपूर्ण सहलग्नता को प्रदर्शित करते हैं, वह पूर्ण रूप से सहलग्नता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से आज का टॉपिक यही रहा। धन्यवाद।